महिला आरक्षण बिल पर लगातार लोकसभा में बहस जारी है। एक तरफ सोनिया गांधी ने आज बहस की शुरुआत करते हुए सरकार से कई सवाल पूछे। आरक्षण का इसमें मुद्दा सबसे बड़ा उठाया गया, महिला आरक्षण यानी कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात सोनिया गांधी ने रखी आज। इसके साथ ही साथ जातीय जनगणना की बात भी सोनिया गांधी करती हुई नजर आई। सोनिया गांधी के इन तमाम सवालों पर पलटवार किया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। सुनिए आज किस तरीके से बहस हुई लोकसभा के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संभव भी है। सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। ये देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243 टी, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन ये आर्टिकल में 243D और 243 टी हमने तो नहीं दिया। आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243D और टी क्या, पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा। आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा। इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा। परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं। आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं। आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें। और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि यह महिला रिजर्वेशन यहाँ आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। तो देखिए इस वक्त जबरदस्त क्रेडिट लेने की जो राजनीति है वो सदन के अंदर नजर आ रही है। सोनिया गांधी इसे अपना बिल कहती हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार ये किया जाता है कि इतना ही अपना था तो इसे पास क्यों नहीं करवाया गया था। सोनिया गांधी ने आज सदन में स्थानीय चुनावों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने, महिलाओं के आरक्षण की बात कही, इस पर अपनी सरकार को श्रेय दिया।
तो इस पर पलटवार करते हुए निशिकांत दुबे ने मोदी सरकार के किए हुए 2014 से लेकर अब तक के कामों को गिना दिया। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे, उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूँ। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। और आज चूंकि कांग्रेस की गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया, आज हम बिल लेकर आए हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है। इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की कि उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण है। और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है, यही समय है। और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं। और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। ये किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे थे, सोनिया गांधी ने जो कहा उस पर लगातार पलटवार कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि निशिकांत दुबे ने इंडिया अलायंस के उन तमाम नेताओं पर भी हमला बोला जिनके बयानों से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची थी, जिनके बयानों ने यह बताया था कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच कैसी है। उन्होंने वक्त याद दिलवाया जब संसद में ये इससे पहले बिल रखा गया था और तमाम नेता, चाहे आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कैसे महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की थी। जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा वो आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी।
और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधान परिषद विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? देखिए निशिकांत दुबे हो चाहे तमाम सत्ता पक्ष के नेता, सबने आज इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला। एक तरफ विपक्ष ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग कर रहा है, जिस पर बीजेपी ये कह रही है कि ये दोगलापन है विपक्ष का, विपक्ष दरअसल इसमें अड़ंगा लगाना चाहता है इसलिए ऐसी मांग कर रहा है। तो वहीं सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि हमारे पास मौका है, जब महिला आरक्षण हो रहा है तो क्यों ना हम ओबीसी महिलाओं की भी बात करें, और अगर हम सरकार से मांग नहीं करेंगे, अगर विपक्ष सरकार के सामने सवाल नहीं उठाएगा तो फिर किसके सामने उठाएगा। ये तो ST SC ओबीसी का अभी मांग करेंगे, क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट, दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 303, दे दीजिए, नथिंग रॉन्ग। सो व्हाई इज इट दैट वी आर ओनली आस्किंग फॉर समथिंग? बड़ा दिल करके आप ST SC OBC, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स अ स्पेशल सेशन, लेट्स सेंड अ मैसेज टू दिस नेशन दैट वी आर कमिटेड टू ST SC एंड OBC, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? एंड इफ दे हैव अ डिफरेंट व्यू, बीजेपी मस्ट क्लैरिफाई दैट स्टैंड। निशिकांत जी फॉर वन मोर, ही सेड that we are on a side, India's on a side of people who ran women down and spoke derogatory. I would like to ask the BJP, and this is my own case, this is not somebody else's case I'm fighting for. The BJP had a head who was the head of the BJP in Maharashtra. He told me personally on record on television that Supriya Sule, ghar jao, khana banao, desh koi aur chala lega, hum log chalange. This is what the BJP's mindset is. Another minister in their cabinet has used a derogatory word against me. So BJP, jawab do, jab hamara kuch keh raha hai to India kharab hai, aapke mantri personal comments karte hai personally on elected women member. I didn't even react, it was not even worth reacting. So I did not say or raise it, but since he brought it up, I just wanted to square it. Ki aap kare to theek aur hum kare to galti, that was it. Rule has to be the same for everybody. Another question I want to ask, just out of curiosity, I appreciate their entire speech and the questions. There's a, unless we have a delimitation and census, we are not going to get it, is what I've understood from this. Yes. So then what is this special session? To abhi nahi karte, to December mein kar lete. India TV, har waqt, har jagah. Download karne ke liye search karein India TV News, Google Play Store ya App Store par.